वंदे मातरम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी साइक्लोन हो वो ज़मीन के ऊपर आके क्यों ख़त्म हो जाती है। कोई भी साइक्लोन हो वो ज़मीन के ऊपर आके हमेशा ख़त्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस बात को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक साइक्लोन को एनर्जी चाहिए होता है और ये एनर्जी उसे मिलता है हीट सोर्स से, विंड स्पीड से और मॉइस्चर से। तो ये तीनों इसको चाहिए ताकि एक साइक्लोन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को गेन कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी भयंकर हो सके। लेकिन यही तीन उसे सिर्फ और सिर्फ समंदर के ऊपर मिलते हैं, लैंड पे नहीं मिलते। तो जो अब कोई भी साइक्लोन लैंड की तरफ आता है तो ये तीन इसको नहीं मिलते और जिसके चलते वो साइक्लोन धीरे धीरे करके डिसअपियर कर जाता है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मूविंग।